हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी है मेरी मैदे से बनी। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये 2 कटोरी मैदा लिया है। ये देखिए, ये 2 कटोरी मैदा लिया है और 1/2 कटोरी मैंने इसमें रवा डाला है, सूजी डालूंगी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद मैं अच्छे से मिला लूँगी। इसके अंदर मैं 1 चम्मच नमक डालूँगी। ये 1 चम्मच मैं नमक डालूँगी और मैं इसके अंदर ये 1 से 1.5 चम्मच अजवाइन डालूंगी। हाथों से क्रश करके मैं अजवाइन डालूंगी और गर्म पानी से इसका एक सख्त डो लगाकर तैयार करूंगी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मैंने मिला लिया। अब इसके अंदर ये मैंने पानी गर्म करके रखा है। इस पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर और इसमें मैं 1 चम्मच ये 1/2 कलछी ये रिफाइंड ऑयल डालूंगी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाकर मैं इसका एक सख्त डो लगाकर 10 मिनट को रेस्ट करने के लिए रख दूंगी, फिर आगे की रेसिपी बनाऊंगी। दोस्तों, ये मैं नाश्ते के लिए बना रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से चाकू की मदद से इस तरीके से इसमें छोटे होल करे हैं। इसी तरीके से मैं सारी मटरी बेल के रख लूँगी, फिर इनको फ्राई करना शुरू करूँगी। तब तक मेरा तेल भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी है मेरी मैदे से बनी। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये 2 कटोरी मैदा लिया है। ये देखिए, ये 2 कटोरी मैदा लिया है और 1/2 कटोरी मैंने इसमें रवा डाला है, सूजी डालूंगी। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लूँगी। इसके अंदर मैं 1 चम्मच नमक डालूँगी। ये 1 चम्मच मैं नमक डालूँगी और इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच अजवाइन डालूंगी। हाथों से क्रश करके मैं अजवाइन डालूंगी और गर्म पानी से इसका एक सख्त डो लगाकर तैयार करूंगी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मैंने मिला लिया। अब इसके अंदर ये मैंने पानी गर्म करके रखा है। इस पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर और इसमें मैं 1 चम्मच ये 1/2 कलछी ये रिफाइंड ऑयल डालूंगी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाकर मैं इसका एक सख्त डो लगाकर 10 मिनट को रेस्ट करने के लिए रख दूंगी, फिर आगे की रेसिपी बनाऊंगी। दोस्तों, ये मैं नाश्ते के लिए बना रही हूँ, फिर मैं आपको ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा आटा रेस्ट कर चुका है। अब मैंने इसको अच्छे से हाथों से मसल कर चिकना कर लिया। अब मैं इसकी छोटी छोटी लोई मैंने काटी है। लोई काटने के बाद मैं इनको इस तरीके से छोटी छोटी बेल कर फ्राई करूँगी। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें ऑयल डाल दिया। ये नाश्ता मैं रिफाइंड ऑयल में बनाऊँगी। फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से चाकू की मदद से इस तरीके से इसमें छोटे होल करे हैं। इसी तरीके से मैं सारी मटरी बेल के रख लूँगी, फिर इनको फ्राई करना शुरू करूँगी। तब तक मेरा तेल भी अच्छे से गर्म हो जाएगा।
देखिए दोस्तों मेरी मटरी बन रही है। इसको मैंने मैं मीडियम लो फ्लेम पर धीरे धीरे धीमी आंच पर सेकूंगी ताकि मेरी मटरी अंदर तक अच्छे से सिक जाए। इसी तरीके से मैंने जो सारी मटरियाँ बेल कर रख ली है मैं धीरे धीरे इन सारी मटरियों को इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। दोस्तों आप भी इस मटरी को बनाकर ट्राई करेगा। दोस्तों ये मटरी बहुत खस्ता बनती है और मोयन भी बहुत कम लगता है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को, हाँ अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। प्रणाम जी, राधे राधे। ये देखिए दोस्तों मेरी एक घान मटरी बनकर रेडी हो गई। इसी तरह से मैं सारी मटरियाँ बनाऊंगी। ये मटरियाँ मैंने बेल कर रख ली। अब मैं धीरे धीरे इन सारी मटरियों को मीडियम लो फ्लेम पर सेकूंगी, गोल्डन ब्राउन होने तक सेकूंगी। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि मेरी मटरी कितनी क्रिस्पी बनी है। आप भी इसी तरीके से बना के ट्राई करिएगा। ये देखिए ये मेरी मटरी कितनी खस्ता बनी है। ये देखिए दोस्तों मेरी सारी मटरी बनकर रेडी हो गई। देखिए ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ। दोस्तों आप भी इस मटरी को बनाइएगा और एंजॉय करिएगा नाश्ता। मिलते हैं कैसे ही अच्छे से नए वीडियो के साथ। प्रणाम जी।